पास सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची को अकेला देख उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसकी शिकायत परिवार वालों ने बेरसिया थाने में की। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बालिका खेत में बने मकान में अपने माता पिता के साथ थी। उसके माता पिता चारा काटने के लिए मकान से कुछ दूर गए थे। उस दौरान कुछ बच्चों के साथ वो बालिका खेल रही थी। वे बच्चे भी अपने माँ बाप की सहायता करने चले गए। बालिका घर में अकेली थी। करीब आधा पौन घंटे बाद जब माँ घर लौटी तो देखा कि लड़की नहीं है। तब उन्होंने घर में इधर उधर देखा तो उन्हें आरोपी भी दिखा, जो उनके घर में ही छिपा था। इनको देखकर वह भाग गया। बालिका की ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता समझ गए कि बालिका के साथ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने बेरसिया थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये थाना बेरसिया क्षेत्र की घटना है। इसमें जो बालिका है वो अपने खेत में बने हुए मकान में अपने माता पिता के साथ थी। उसके माता पिता चारा काटने के लिए मकान से थोड़े दूर गए हुए थे और कुछ बच्चों के साथ वो खेल रही थी। बच्चे फिर माँ बाप की सहायता करने के लिए चले गए। जब वो अकेली थी, करीब करीब आधा पौन घंटे बाद जब उनके माता पिता लौट के आए तो घर में उन्होंने देखा कि वहाँ पे दिखी नहीं, तो घर में देखा तो घर में वो मिली पीड़ित, और पीड़ित मिली घर में तो उसको देखा तो उनको संदेह हुआ। फिर उन्होंने देखा तो वो गिरिराज आरोपी जो है वो घर में ही था और इनको देख के वो भाग गया। और उसकी हालत देखते हुए और उसकी जो कपड़े वगैरह देख के इन्होंने समझ लिया कि उसके साथ में गलत काम हुआ है। इसकी एफआईआर हमने कर ली है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।